अब बारी है फिल्मी खबरनामा की। नए नवेले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कहना है कि उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस में किए हैं 47 किस्से। इस पे इंडस्ट्री के किसिंग किंग इमरान हाशमी जी का कहना है, ब्रो किस कितना भी कर लो बेटा, लास्ट में आके एक्टिंग ही करनी पड़ती है। एक थी फिल्म, देख लेना। सुनने में आया है कि वंस अपॉन अ टाइम दोबारा में इमरान खान के साथ काम करने के बाद एकता ने कसम खाई है कि वो दोबारा इमरान के साथ काम नहीं करेंगे। सुनो भाई, कसम वसम कुछ नहीं खाई है। उन्होंने ये सोचा होगा कि जब फिल्म फ्लॉप ही करवानी है तो घर के तुषार को लेके फ्लॉप करवाएं, किसी बाहरी पे पैसा क्यों बर्बाद करें भाई। हाँ, तो सुन देंगे। सुनने में आया कि हॉट बालाएं सनी लियोनी और मल्लिका शेरावत टीवी के शो में एक साथ आएंगी और शो में आग लगा देंगी। इस पे सुगनी चाची का कहना है, अरे तुम दोनों जब एक साथ टीवी में आओगी तो हमारे तो घर में ही आग लग जाएगा, इससे बढ़िया हम टीवी को ही आग लगा देते हैं। जरूर आपकी फरमाइश आई है हुजूरे वाला, और फरमाइश में लिखा गया है कि पिंटू पांडे प्लीज 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 हमारी राधा के लिए ये गाना सुना दो। तो भैया आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है, पर जो भी किशन कन्हैया है आपकी तरफ से आपकी राधा के लिए दो गाने। सुनने में आया है कि पूनम पांडे जी का कहना है कि वो अभिनेत्री मंदाकिनी की तरह गंगा को मैली करना चाहती हैं। इस पे इलाहाबादी का कहना है, कस्बे का दिक्कत है बे, अबे इलाहाबाद वालों ने तो पहले ही गंगा मैली कर दी है बे, और तुम कूदोगे तो गंगा तो सूख जाएगी कस्बे। सुनने में आया है कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बनना चाहती हैं सीरियल्स में बहू। इस पे एक आदमी का कहना है कि सुनिए, समय रहते ही किसी अच्छे परिवार की बहू बन जाइए, नहीं तो बाद में फिल्म में माँ बहन के किरदार में आना पड़ेगा। रितेश देशमुख का कहना है कि उनकी फिल्म ग्रैंड मस्ती में है एडल्ट मोबाइल जोक्स। इस पे एक आदमी का कहना है, कोई बात नहीं रितेश भाई, क्या है ना अपन आपकी फिल्म को भी मोबाइल में ही देख लेंगे बाकी फिल्मों की तरह। चलो चले मितवा फिल्मी नगरिया में, और देखते हैं क्या है खबरिया। चलो चलते हैं फिल्मी नगरिया। फिल्मी नगरिया की खबरिया के बाद तीन गनवा सुन लीजिए भैया। सुनिए गाना नंबर 17, 16 और 15।